नमामि धन्वन्तरि वादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराड्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग जो पीजी एंट्रेंस का तैयारी है उसमें रचना शरीर ये देखेंगे, क्योंकि हमारे पास हर सब्जेक्ट कवर करना है। हम बार बार इसको पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ लिया बस हो गया। हम इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार इस ऐसे टॉपिक्स को और लेके आएंगे। तो अभी मैंने एक दिन इतिहास पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने पदार्थ विज्ञान पढ़ाया, अभी मैं आपको रचना शरीर बताता हूँ। और रचना शरीर जो है ना, इसके भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना पूरा फॉर्मेट, तो उसमें कुछ कुछ हर सब्जेक्ट को कुछ मार्क्स हैं। तो इसमें आपको मैं एक व्यू दे रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को फिर पढ़ने में इजी जाएगा। सारा चीज तो नहीं कवर हो सकता है क्योंकि एग्जाम अभी कुछ दिन के बाद ही शुरू हो जाएगा, कुछ दिन के बाद ही डेट आ जाएगा। तो आप लोगों को ना बस एक गाइडलाइन तो मिल जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। ऐसे लोग सालों सालों तैयारी करते हैं, लेकिन आप लोग ना कम टाइम में, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है आप लोगों को, कम टाइम में आपको सब चीज, जितना मेन मेन चीज है वो पढ़ लेना और एग्जाम देना है। अब ये रचना शरीर में आप लोगों को दिख रहा है, मैंने दो तीन लोगों को कोहोस्ट बनाया, तो आप देखिए। तो इसमें ना शरीर की व्याख्या बताइए, शिरते हिनस्ति आत्मानम इति शरीरम, जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता रहे उसको शरीर कहते हैं। फिर देह का क्या है, इन्होंने निरुक्ति दिया है, तो देह प्रतिक्षणम उपचीयते, मतलब जिसका वृद्धि होता है, विकास होता है या उपचय होता है उसको देह बोलते हैं। प्रतिक्षणम उपचीयते, उपचय होता है, अपचय नहीं, बढ़ता है। उपचय मतलब बढ़ता है। और शरीर का शीरते, वो नष्ट होता है, ऐसा डेफिनेशन है। और शारीर स्थान, शारीर, शारीर का मतलब क्या है, शरीरम अधिकृत्य कृत्रिम तंत्रम शारीरम, मतलब एनाटॉमी को शारीर बोला है, शरीर विषयक अध्ययन शारीर कहलाता है। चरकानुसार शरीर के विभाग क्या है वो जानना भी जरूरी है। तो चरक के हिसाब से 8 अध्याय पूरे लिखे हैं। कतिधा पुरुषीय शरीर, इसमें पुरुष विषयक अग्निवेश के 23 प्रश्न है कि पुरुष कितने होते हैं, उसका उत्पत्ति कैसे होता है, तो पूरा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 23 प्रश्न पूछे हैं। पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दूसरा अध्याय है अतुल गोत्रीय अध्याय, अतुल गोत्रीय शरीर, तो उसमें संतानोत्पत्ति विषय है, प्रश्न पूछे गए हैं।
उसमें नपुंसक के 8 टाइप पूछे हैं, बताएं अष्ट नपुंसक के टाइप्स बताएं, गर्भ धारण के कुल 36 प्रश्न पूछे हैं और उसके उत्तर दिए गए। फिर है खुड्डा गर्भाव क्रांति, इन खुड्डा का मतलब है कि छोटा अध्याय गर्भाव क्रांति के बारे में, तो गर्भोत्पत्ति के हेतु में भाव 6 हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर चौथा है महति गर्भाव क्रांति शरीर, मतलब गर्भ और गर्भ की वृद्धि, गर्भिणी के लक्षण और 16 मानस प्रकृतियां इसमें सब बताई हैं, मतलब सात्विक मानस प्रकृति, तामस राजसिक, तामस राजसिक मानस प्रकृति और तामसिक मानस प्रकृति इसमें बताइए। फिर है पांचवा अध्याय पुरुष विजय शरीर, इसमें लोक पुरुष साम्य प्रकरण के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि यथा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जो शरीर में है वैसे ही पूरा संसार में, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया। फिर उसके बाद में शरीर विजय शरीर, पहला वाला है पुरुष विजय शरीर, यह है शरीर विजय शरीर, इसमें शरीर वृद्धि कर भाव है, गर्भों की गर्भ के अंगोत्पत्ति विषय प्रश्न है, काल मृत्यु अकाल मृत्यु के बारे में बताया है। फिर है शरीर संख्या शरीर, यह सातवां अध्याय है, इसमें अंग प्रत्यंगों की संख्या बताई है, रसादि धातुओं का प्रमाण बताया है। फिर आठवां अध्याय है वो जाति सूत्र शरीर है, उसमें गर्भ गर्भाधान बताया है, गर्भिणी की परिचर्या बताई है, सूति का चर्या बताई है, नवजात शिशु की परिचर्या का वर्णन किया गया है। उसके बाद में आता है सुश्रुतानुसार शरीर विभाग, सुश्रुत ने टोटल 10 अध्याय लिखे हैं शरीर स्थान में, तो सर्वभूता शरीर चिंता शरीर स्थान पहला, इसमें शरीर स्थान का पहला अध्याय है में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रकृति पुरुष से किस तरह से संसार बनाए, महत्बुद्धि अहंकार, पंच तन मात्रा, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, मन उभयतक इंद्रिय, ये सब बताया है, सृष्टि की उत्पत्ति क्रम यहाँ पे सांख्य दर्शन का पूरा लिया है, और प्रकृति के बारे में बताया है कि प्रसव धर्मिणी, बीज धर्मिणी, ऐसे सब प्रकृति के बारे में बताया, पुरुष के बारे में भी बताया, तो आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोग को तैयारी हो जाएगा। फिर है शुक्र शोणित शुद्धि शरीर अध्याय दूसरा, इसमें शुक्र शोणित का स्वरूप बताया, शुक्र किस तरह से है, शोणित का स्वरूप क्या है, गर्भाधान का वर्णन इसमें बताया। तीसरा अध्याय है गर्भाव क्रांति शरीर, इसमें गर्भ की वृद्धि का वर्णन है, जैसे प्रथम मासे कल्लम जाए थे, ऐसे 9 महीने का पूरा अच्छे से पूरा वर्णन किया गया है, तो उसको आप लोगों ने पढ़ा ही है सब फर्स्ट ईयर में। उसके बाद में है पांचवा चौथा गर्भ व्याकरण शरीर, गर्भ के अंगों का वर्णन किया गया है, गर्भ शरीर संख्या व्याकरण, उसमें अंग प्रत्यंगों का वर्णन है। फिर छठवा अध्याय प्रत्येक मर्म निर्देश, मतलब मर्म के बारे में बताएं, 107 मर्म होते हैं, उसमें सद्य प्राण हर वर, वैकल्य कर्म, विषलग्न मर्म, मर्मों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद में सिरा वर्णन विभक्ति नाम शरीर, इसमें सिरा और अवेद्य सिराओं का वर्णन बताएं, किसको हमें सिरा वेद करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन पूरा इसमें बताएं। फिर है सिरा वेद विधि, मतलब रक्त मोक्षण की पूरी विधि को विस्तार से बताएं, कौन कौन से स्थान से हमें रक्त मोक्षण करना चाहिए ये सब बताएं। इसके बाद में धमनी व्याकरण शरीर है, इसमें धमनी उद्गम संख्या और रचना इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर है 10वां चैप्टर है गर्भिणी व्याकरण शरीर, इसमें गर्भिणी संबंधित सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, एक तरह से पूरा जो हम लोग ये बोलेंगे कि प्रसूति और गर्भिणी ये पूरा इसमें कवर किया गया है जो शारीरिक स्थान में बताए। और उसमें फिर हमें ना ये जब पढ़ते हैं ना तो हमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, अगर एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल ऑफिसर का, मेन मेन क्या चीज दिया है वो हमें देखना होता है, स्मार्ट स्टडी करिए, नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे 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 और वो फिर कंप्लीट ही नहीं होगा पोर्शन, आप लोग को स्मार्ट स्टडी करना है। इसके बाद में है अष्टांग हृदय अनुसार शरीर विभाग, इसमें टोटल 6 बताए हैं अध्याय, गर्भाव क्रांति, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, शुक्ल शोणित का स्वरूप, गर्भाधान का वर्णन है, गर्भ व्यापद बताएं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, तो गर्भ व्यापदों का वर्णन किया गया है, अंग विभाग में गर्भ के अंगों का वर्णन किया गया है, फिर मर्म विभाग में मर्म वर्णन, विकृति विज्ञान में अरिष्ट संबंधी वर्णन है, दूतादि विज्ञानिया में दूतादि अरिष्ट और स्वप्नों का वर्णन किया गया है, चरक ने शारीरिक स्थान को आश्रय स्थान भी कहा है, ये देखिए MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चरक ने किस स्थान को आश्रय स्थान कहा है, तो इसको याद रखिए। इसके बाद में धातु भेद से पुरुष के प्रकार बताएं, तो इसमें एक धातु पुरुष है तो चेतना धातु अप्य कहा, स्मृत धातु संज्ञ कहा, यह शुद्ध पुरुष है, केवल आत्मा या चेतना धातु को एक धातु पुरुष कहते हैं, द्विधातु पुरुष जो है वो क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा इस तरह से बताएं, या फिर आग्नेय और सौम्य द्विधातु पुरुष इस तरह से क्लासीफाई किया गया। इसके बाद में त्रिधातु पुरुष बताया है, तो त्रिदंडात्मक पुरुष,
सत्व आत्मा शरीर च शरीरम च त्रय मिंत्र दंडवत, ऐसा बताए। आत्मा मन और शरीर, ये जब इनको समूह होता है तो इसको त्रिधातुष पुरुष बताए या त्रिगुणात्मक पुरुष बताए, तो सत्व रज और तम से युक्त जो पुरुष है वह त्रिगुणात्मक है। उसी तरह से त्रिदोषात्मक पुरुष बताए, वात पित्त कफ वाला जो पुरुष है उसको त्रिदोषात्मक पुरुष बताए। इसके बाद में षड धातुष पुरुष बताए, इसमें छह धातुओं वाला पुरुष कौन सा है, और यही चिकित्सा पुरुष है, कर्म पुरुष है, अधिकरण पुरुष है। तो इसमें पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इत्युच्यते, सुश्रुताचार्य जी ने बोला है। और चरकाचार्य जी ने बोला है षड धातु वाला पुरुष कौन सा है, खाद्यश चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृता, इसके 56 भाव होते हैं ऐसा चरकाचार्य जी ने बताया। इसके बाद में पार्थिव भाव है वो 18 है, कुछ कुछ शरीर में पार्थिव चीजें रहती हैं, कुछ कुछ आप्य भाव है 15 है, आग्नेय भाव है 5 है, वायव्य भाव है 11 है, आकाशीय भाव है वो 5 है, आत्मज भाव है 2 है। ये सारे भाव जो होते हैं वो हमारे शरीर में आते हैं और उससे पूरा शरीर के अंग प्रत्यंग बनते हैं, तो कुल टोटल 56 भाव ऐसा बताया है। त्रयोदश धातु पुरुष में दोष धातु मल्लामूलम शरीरम ऐसा बताया सुश्रुताचार्य जी ने, तो 3 दोष है, फिर धातु 7 है, 3 मल है ऐसे बताए, तो ये 13 जो धातु पुरुष है वो बता दिया। इसके बाद में आता है सप्त धातु पुरुष, मतलब शरेंद्र सत्वात्मा संयोगधारी जीवित है या फिर शरेंद्र सत्वात्मा समवाय पुरुष मा चक्षते, इसमें आत्मा एक है, मन एक है, ज्ञानेन्द्र 5 है, कर्मेंद्र 5 है, महाभूत 5 है, इस तरह से 17 तत्व वाला जो पुरुष है वो सप्त धातु पुरुष बताया। इसके बाद में बताया चतुर्विंशति तत्वात्मक या राशि पुरुष या संयोग पुरुष या लोक पुरुष, इसमें अष्ट प्रकृति और 16 विकार, इस तरह से 24 वाला तत्व वाला चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष बताए। तो अष्ट प्रकृति है जो अव्यक्त है, महान है, अहंकार, पंच तन्मात्रा, 3 ये और 5 तन्मात्रा, मतलब अष्ट प्रकृति ये हो गया। षोडश विकार मतलब 5 महाभूत और एकादश इंद्रिया, उसमें पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और उभ्यातक मन, उभ्यात्मक मन, इस तरह से 11 और 5 16 विकार है। तो ये 16 और 8 ये मिला के 24 तत्व वाला चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष हो जाता है। तो इसे राशि पुरुष या संयोग पुरुष भी कहते हैं। इसके बाद में आठवां आता है पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष, इसको कर्म पुरुष भी कहा गया है। ये 8 प्रकृति, अष्ट प्रकृति है, फिर 16 विकार हैं और आत्मा, इन सबको मिला के जो बनता है वह 25 ऐसे तत्व वाला कर्म पुरुष कहा गया है। पंचविंशति तमः कार्य कारण संयुक्त चेतयिता भवति ऐसा बताया। तो इसको आप लोगों को याद करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, मेडिकल ऑफिसर के भी आते हैं, एमडी के एंट्रेंस में भी आते हैं, सब जगह ही आते हैं। एमडी के एंट्रेंस में तो ज्यादातर वो सब्जेक्ट रिलेटेड आते हैं, मतलब एमडी रिलेटेड नहीं, सॉरी मैं एमडी में तो ये पूछते हैं, एमडी में और एमओ में, मैं पीएचडी का गड़बड़ा गया था, पीएचडी में तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। जैसे आपको संहिता में अगर पीएचडी करना है तो संहिता रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको गायनेक में करना है तो गायनेक रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये मेडिकल ऑफिसर या फिर एमडी में सारे सब्जेक्ट का आते हैं, ओवरऑल पूरा आयुर्वेद का आते हैं। इसके बाद में आ रहे हैं चरकानुसार धातु भेद से पुरुष के भेद, ये 3 बताए हैं चरकानुसार धातु के हिसाब से। एक धातु पुरुष जो है ये कैसे, चेतना धातु रप्पे का स्मृत पुरुष संज्ञा का, मतलब चेतना धातु से बना हुआ जो एक ही पुरुष है, निर्विकार है, वह चरकाचार्य ने एक धातु पुरुष बोला है। फिर षड धातु या चिकित्सा पुरुष कौन सा है, तो खादेश चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृता, मतलब पंच महाभूत और चेतना इनसे बना हुआ, मतलब पंच महाभूत या आत्मा, इसको मिला के टोटल 6 धातु का पुरुष है। इस शारीर स्थान में पहला में 16वां नंबर का श्लोक है, इसकी 16 कलाएं हैं और भाव 56 हैं ऐसा बताए। तीसरा अगर देखेंगे तो चतुर्विंशति तत्वात्मक, मतलब 24 वाला जो पुरुष है या राशि पुरुष है, तो इसमें कैसे है 24 तत्व, तो 8 प्रकृति और 16 विकार, 8 प्रकृति में अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा है, 16 विकार मतलब पंच ज्ञान कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच महाभूत और एक मन। ऊपर जो बताया था पंचविंशति, मतलब उसमें आत्मा भी आ गया था, मतलब जिसको हम पुरुष बोलते हैं वो भी आ गया था, लेकिन चतुर्विंशति में आत्मा नहीं है, मतलब पुरुष को नहीं माना है इन्होंने, चतुर्विंशति तत्वात्मक ऐसा बताया। सुश्रुता अनुसार धातु भेद से पुरुष के 4 भेद हैं। त्रयोदश धातु पुरुष है तो दोष धातु मलामूलम शरीरम, 3 दोष धातु 7 और 3 मल। षड धातु पुरुष है उसमें पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष अत्युच्यते,
पंच महाभूत और आत्मा, ये छह धातुओं वाला, वही वही रिपीट हो रहा है, वही वही सभी ने वही चीज माने। चतुर्विंशति तत्वात्मक है तो अष्ट प्रकृति 16 विकार, मतलब 8 प्रकृति, अव्यक्त महान अहंकार पंचतन मात्राएं, और 16 विकार मतलब पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत और एक मन। मतलब ये 15 हो गए, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत और एक मन, तो ये 16 विकार और 8 प्रकृति, मतलब 24 तत्वात्मक। और पंचविंशति तत्वात्मक है तो अष्ट प्रकृति, 16 विकार और एक पुरुष, पुरुष या आत्मा ऐसे। तो इस तरह से ये बताया है। अनुरिता मैम, मैं आपका रचना शरीर पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ बताना है तो बता सकती हैं। अनुरिता मैम अगर आप सुन रही हैं तो मैं आपका सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, शुक्र शोणित शुद्धि शरीर, ये जो है इसमें शुक्र के बारे में बताया। तो शुक्र जो है शुक्रम सौम्यम, जल महाभूत प्रधान होता है। शुक्र की उत्पत्ति 6 रसों से अर्थात षड रस से होती है। शुक्र में 4 पाद होते हैं, इसमें आकाश तत्व हटा दिया है, तो वायु अग्नि पृथ्वी और जल, आकाश रहित चतुष्पाद होता है। उसी तरह से शुक्र ही आहार का परम धाम, सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। चरतो विश्वरूपस्य रूप द्रव्यम, चरक चिकित्सा अध्याय 2 में, 5-4 में, 49 में शुक्र के बारे में बता रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है ना, ये जो भी दिख रहे हैं ये शुक्र की वजह से ही है। ऐसा जो रसायन चिकित्सा है पाद 4 उसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या बता रहे हैं। चरक चिकित्सा 2 है तो ये तो वाजीकरण वाला हो गया। चरक चिकित्सा पहला अध्याय तो रसायन का है, तो ये वाजीकरण में दूसरा चैप्टर में पाद 4 में 49 नंबर का श्लोक है, वाजीकरण जो अध्याय है। तो मतलब इन्होंने बोला है कि शुक्र को कितना ज्यादा महत्व दिया है, शुक्र रहेगा तो शरीर रहेगा। इसके बाद में शुक्र, शुद्ध शुक्र के लक्षण बताए हैं। चरक ने बोला है कि बहलम मधुरम स्निग्धम विस्त्रम गुरुपिच्छलम शुक्लम बहुचर्यत शुक्रम फलवत तद असंशयम, चरक चिकित्सा 24 चैप्टर में 50 नंबर का श्लोक। उसी तरह मतलब ये बहुल है, बहल है, मधुर है, स्निग्ध है, विस्त्र गंध का है, गुरु है, पिच्छिल है, शुक्ल रंग का है, और बहु है, ऐसा शुक्र का लक्षण है। और स्निग्धम घनम पिच्छिलम च बहुलम च अविदाही च, अविदाही है तो इसका मतलब यह है कि जब ये स्त्री के शरीर में जाता है तो विदाह नहीं करते हैं। ये शुक्र सौम्य है, स्निग्ध है, घन है, पिच्छिल है, मधुर है, और शुद्ध शुद्धम रत्न रेतम शुद्धम विजानियत भवेत स्फटिक सन्निभम, ऐसा बता रहे हैं। चरक चिकित्सा 30 में ऐसा बताया है। उसके बाद में शुद्ध ने बताया, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्र में चिंति के चतु तेल शोधर निर्भम तथा शुशु शारिस्तान 2 में 13वां नंबर का श्लोक है। मतलब वो स्फटिक मणि के जैसा है, वो लिक्विड फॉर्म में है, स्निग्ध है, मधुर है, और मधुगंधी मतलब मधु के जैसा गंध वाला है, तेल शोत्र निभम तथा, इस तरह से तेल जैसा है या फिर मधु जैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी वैसी है। वाग्भट ने बोला है शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहुलम बहु कृतमाक्षिकम तैलाभम सदगर्भाय, अष्टांग हृदय शारीरस्थान 1 में 60 नंबर का श्लोक है। मतलब ये शुक्ल वर्ण का है, गुरु है, स्निग्ध है, मधुर है, बहल है, बहु है, और घृत माक्षिक तैलाभम, घृत जैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी घी जैसी है या मधु जैसी है या तेल जैसी है। शुद्ध शुक्र के लक्षण फिर क्या हो गया, तो स्फटिकाभम, ये चरक सुश्रुत और शारंगधर ने ऐसा बोला है। तैल शोधर निभम सुश्रुत ने बोला है, तैल और मधु के जैसा है। घृत माक्षिक तैलाभम, घृत और मधु और तेल की तरह है, तो वाग्भट बोलते हैं। मधुगंधी जो है वो सुश्रुत और शारंगधर जी बोलते हैं। अब इसके बाद में शुक्र के दोष, शुक्र के दोष 8 बताए। फिनिलम तनु रुक्षम च विवर्णम पुति पिच्छिलम अन्य तथा अन्य धातु सृष्टम अवसादी तथो अष्टमम। मतलब ये फेनिल झाग जैसा, जब शुक्र यूरिन जैसा निकलता है तो वो झागदार होता है, मतलब वायु का उसमें प्रकोप होता है। आप लोगों ने जब भी एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट देखेंगे तो ऐसा शुद्ध अशुद्ध शुक्र आता है, तो उसमें फिर कंसीव नहीं होता है। तनु रहता है, रुक्ष रहता है, विवर्णता कलर अलग रहता है, पुती मतलब बहुत गंदा स्मेल का आता है, पिछिलता बहुत ज्यादा आता है, इसमें से कुछ भी हो सकते हैं 8 में से। अन्य धातु सरसृष्टम मतलब उसमें रस रक्त कुछ भी आ सकता है। अवसादी बहुत ही अवसाद करने वाला रहता है, अवसादी रहते हैं, बहुत कंसिस्टेंसी हार्ड रहती है, मतलब वो उतना कंसिस्टेंसी में नहीं रहता, विस्कोसिटी बहुत डिफरेंट रहती है। इस तरह से 8 शुक्र के दोष बताए। चरक चिकित्सा अध्याय 30 में 139। सुश्रुता अनुसार 11 दोष बताए हैं। वात पित्त श्लेष्म शोणित, वायु से दूषित हुआ शुक्र,
पित्त से दूषित हुआ शुक्र, श्लेष्म से शुक्र दूषित हुआ शुक्र, शोणित रक्त से दूषित हुआ शुक्र, कुणब गंधी मतलब डेड बॉडी की तरह स्मेल आने वाला सड़ा हुआ, ग्रंथि युक्त होना, पुती पोए मतलब उसमें बहुत ज्यादा सड़न है, पस आ रहे हैं, शीर्ण मूत्र पुरुष रहता था उसमें थोड़ा सा शीर्ण शुक्र है उसी तरह से मूत्र युक्त है, पुरुष युक्त है, ऐसा रहता जो है प्रजोत्पादन में समर्था भवंती। तो ये शुक्र के 11 दोष सुश्रुत ने बोले, चरक ने 8 दोष बोले। अब शुक्र दोष की साध्य साध्यता क्या बताइए, शुक्र दोष की साध्य साध्यता है कि साध्य 4 है, वातज पित्तज कफज रक्तज, कष्ट साध्य 5 है, कुणप जो है वो रक्त रक्त से इन्वॉल्वमेंट है, शीर्ण मतलब वात पित्तज, ग्रंथि मतलब कफ वातज, पुती पोए मतलब कफ पित्तज, ऐसे आते हैं। पुती है तो मतलब वहां पे सड़न हो रही है पित्त की वजह से, पाक हो रहा है, और ग्रंथि है तो कफ और वात की वजह से वहां पे गांठ बन रही है, शीर्ण है तो वात पित्तज है, कुणब है तो रक्तज है। ऐसा ना एमसीक्यू में पूछते हैं कि कुणब ग्रंथि मतलब कौन सा धातु का इन्वॉल्वमेंट है और शीर्ण है तो कौन सा है, ऐसे एमसीक्यू आते हैं। असाध्य में दो बताए कि मूत्र पुरुष रहत सन्निपात, ये दो असाध्य है जिसमें यूरिन भी इन्वॉल्व हो रहा है, यूरिन भी लीक हो रहा है या स्टूल भी आ रहा है तो, या सन्निपात ये असाध्य बताए। बागभट ने शुक्र और आर्तव के 9 दोष बताए, बागभट ने रक्तज और पुति दोष नहीं माने। अब शुक्र दोषों की चिकित्सा क्या बताइए, साध्य शुक्रों में शुक्र दोष में सामान्य चिकित्सा क्या है, तो स्नेहन स्वेदन पंचकर्म आदि विशेष क्रियाएं तत्पश्चात उत्तर बस्ती, कुणब ग्रंथि के लिए धात की पुष्प, ये आप लोगों को प्रैक्टिशनर लोगों को भी काम आएगा, जब भी गंदा स्मेल वाला आता है तो धात की पुष्प, खदीर, दाड़िम, अर्जुन, सालसरादि साधित घी का सेवन कराना चाहिए। जब ग्रंथि बुध हो रहा है, गांठ गांठ आ रहा है उसमें, तो ग्रंथि बुध है षट्टी सिद्धम पलाशे वापी भस्मानी, पाषाण भेद जैसा आता है, ये बागभट ने बोला है। पोए दोष मतलब परुष वटादिभ्याम पोए प्रख्य साधितम, मतलब इसमें ग्रंथि बुध में पाषाण भेद का काढ़ा दे दिए तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। और पुए दोष मतलब पस अगर आ रहा है तो इसमें परुष और वट आदि जो शीर वृक्ष के द्रव्य हैं उनका अगर देते हैं काढ़ा बना के तो वह पुए दोष में बहुत अच्छा काम करता है। शीर्ण रहता से मतलब शुक्रता शुक्र बहुत कम है, मास्टरबेशन करके या मैथुन करके शुक्र निकाल दिया है तो वाजीकरण वृक्ष दवाइयां जो है शुक्रवर्धक क्रियाओं का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर यूरिन आ रहा है, स्टूल आ रहा है, मूत्र पुरुष रहता तो विट प्रवे पाए तो चित्रक का प्रयोग करें, उशीर का, हिंगू साधित घृत का प्रयोग करें। पुरुष शुक्र का प्रवर्तन का स्थान है बस्ती के दक्षिण पार्श्व में 2 अंगुल नीचे, सुषुत स्त्री शरीर में, सुषुत ऐसा बोलते हैं कि स्त्री शरीर में शुक्र की उपस्थिति मानते हैं परंतु गर्भोत्पत्ति हेतु स्त्री आर्तव ही उपयोगी है। शुक्र शोणित के परिपाक से त्वचा उत्पन्न होती है, तो जब शुक्र और शोणित का परिपाक होता है तो स्किन बनता है ऐसा बताया, या एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी अनुरिता मैम आप कुछ बोलिए, आपका एनाटॉमी का सब नहीं सर, एनाटॉमी का सब नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ा रहे हैं ना सर, तो कुछ बोलने का मन नहीं करता है। जो आपने अभी इसके बताया ना लक्षण, शुक्र जो सुषुत ने माना है स्त्री और सार्वदेहिक शुक्र की सर, ये हमें प्रैक्टिकली जब आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को डील करते हैं तो उनके सोतस के मतलब, अभी आपने तो बहुत प्रॉपरली शुक्र दृष्टि के और इसके लक्षण भी पढ़े या पिछिल जो भी गुण वगैरह से ये होता है, लेकिन सर जो एसटीडी वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है ना जेंट्स को, तो उनमें आपको ये पूरी सारा चीज शब्दाप्ति वगैरह भी दिखता है। लेकिन काफी बार आजकल जो लाइफस्टाइल है, जस्ट दोपहर में मेरे पास में एक पेशेंट आके, हार्डली उनका एज 19, 20, 21 रहता है, बट इनटेक ऑफ निकोटिन, इनटेक ऑफ सिगरेट इन डायरेक्ट फॉर्मेट और इनडायरेक्ट फॉर्मेट, देन नाइट शिफ्ट्स और उसके जो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह, देन एक्सपोजर टू लॉट ऑफ दोज नॉलेज विच इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर मैरिज, तो ये सारी चीज की वजह से इतनी सारी मतलब सिर्फ धातु दृष्टि नहीं सर, मनोभाव पे भी बहुत विचित्र काम होता है। और फिर जब वो लड़कियों में आगे चल के जब गायना के इश्यूज वगैरह होते हैं, वो पेशेंट फिर इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो भी सार्वदेहिक जो हर्ष हर्ष प्राप्ति या फिर एक प्रसन्नता जो एक स्त्री में होनी चाहिए, अगर वो नहीं रहती है तब भी गर्भ प्राप्ति के लिए दिक्कतें आती है। काफी चीजें डिस्कस होती है तो वहां पे मनोवो पे हम काम करते हैं सर, लेकिन ये डायरेक्ट मनोवो इफेक्ट नहीं होता है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड राइट फ्रॉम देयर टीनेज। सर डिस्टर्ब तो नहीं आ रहा है ना, मैं रोड पे ट्रेवल कर रही हूँ एक्चुअली, हॉस्पिटल से घर जा रही हूँ।
मेरी नहीं, आवाज आ रही है सबको? आप कंप्लीट करिए, बोलिए हेलो। बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ 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 तो वही सर, एक हॉस्पिटल से कॉल मैं अटेंड कर लेती हूँ प्लीज, एक एक ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि आर्तव, अब आर्तव के बारे में, रचना शरीर में आर्तव पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो इसमें आर्तव जो है, तथा रक्तमेव च स्त्रीणां मासे मासे गर्भकोश अनुप्राप्य त्रयम् परवर्तन मार्तम इत्याहु, मतलब जो रक्त स्त्री में प्रतिमास प्रति महीना गर्भाशय में आकर योनि मार्ग से 3 दिन तक स्त्रवित होता है वो आर्तव है, ऐसा अष्टांग संग्रहकार ने बताया है। शारीरस्थान पहला में 10वां नंबर का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिशनर लोग के लिए भी ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद का एक बस ये मत सोचिए कि हमें एंट्रेंस देना है या नहीं, वो एंट्रेंस अलग बात है, बेसिक चीजें ये सबको आना चाहिए। चरक है आर्तव को रस धातु का उपधातु मानते हैं, शारंगधर है वो रक्त धातु का उपधातु मानते हैं, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद में आर्तव का स्वरूप कैसा है, तो आर्तवम शोणितम त्वा आग्नेयम अग्नि सोमित्वाद गर्भस्य, सुश्रुत सूत्र स्थान 14 चैप्टर में 47 नंबर का श्लोक है। मतलब आर्तव जो होता है वो आग्नेय होता है, अग्नि महाभूत प्रधान होता है शुद्ध आर्तव के, और स्त्री जो रहती है वो क्षार धर्मी रहती है, पुरुष जो होता है वो अम्ल धर्मी रहता है। तो क्षार धर्मी स्त्री है जिनमें हीट बहुत है क्योंकि आग्नेय तत्व है, तो इसलिए स्त्रियों को खट्टा खाने की इच्छा होती है बहुत ज्यादा, मतलब अम्ल चीज खा के बैलेंस करने का मन करता है। पुरुषों को अम्ल धर्मी रहते हैं वो लोग, तो उनको क्षार धर्मी मतलब तीखा खाने का बहुत मन करता है, जितना स्पाइसी खाए पुरुष को अच्छा लगता है, ये जो विपरीत गुण इच्छा जाए ऐसा होता है। अब शुद्ध आर्तव के लक्षण, ये आप लोगों ने सबने पढ़ा है, ये सब रिवीजन हो रहा है पूरा। चरक में बोला है गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्त सन्निभम इंद्र गोप संकाशम आर्तव शुद्ध महादिशेत मासान पिछार्दाहार्ती पंचरात्रानुबंधी च नैवाति बहुत नात्यल्प आर्तवम आर्तवम शुद्ध महादिशेत। चरक ने बोला है मतलब गुंजा फल के जैसा है, पद्मालक्त के जैसा है, फिर उसी तरह से इंद्र गोपक जो कीड़ा होता है उसके जैसा है, ऐसा अगर आर्तव आ रहा है तो शुद्ध होता है। और ये बोल रहे हैं कि 5 रात्रि तक आता है, 5 दिन और रात्रि तक आता है, और ये न अति बहु बहुत ज्यादा नहीं आना है, न अति अल्प बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, स्कैंटी मेंसेस भी नहीं होना चाहिए, हैवी मेंसेस भी नहीं होना चाहिए, तो ये शुद्ध आर्तव के लक्षण चरक जी ने बताया। सुश्रुत संहिता में बताया है सशास्त्र प्रथमम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम, मतलब जो खरगोश के रक्त की तरह होता है, लाक्षा के रस की तरह होता है, उस सबको उस आर्तव को सभी लोग प्रशंसा करते हैं। यद वासो न विरंजित, मतलब कपड़े में लगता नहीं है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी ने बोला है। वाग्भट ने बोला है आर्तवम पुनः लाक्षरस शशाब श्राभम धौतम यच विरंजते विरंजते, मतलब ये लाक्षरस की तरह होता है, खरगोश के रक्त की जैसा होता है, धोने के बाद वो निकल जाता है और वो कपड़े पे दाग नहीं लगे रहता है, ऐसा जो रक्त रहता है आर्तव वह शुद्ध माना जाता है। इसी को हिंदी में बोला है कि आर्तव का वर्ण गुंजा फल के समान, लाल कमल के फूल, पद्मालक्त मतलब लाल कमल के फूल जैसा होता है, या फिर महावर के समान होता है, इंद्र के गोप के समान जैसा होता है, यह आर्तव शुद्ध होता है। 1 मास के बाद 5 रात्रि तक आना चाहिए, ऊपर उन्होंने अष्टांग संग्रहकार ने 3 दिन तक बोला है, यहाँ पे इन्होंने 5 रात्रि बोला है। 5 रात्रि किसने बोला है, तो ये चरक ने 5 रात्रि बोला है। और चिपचिपापन दाह वेदना नहीं होना चाहिए उसमें, रक्त ना अल्प हो ना अधिक हो, ऐसा चरकाचार्य जी बोल रहे हैं। 5 दिन तक मेंसेस जो आता है वो एकदम बेस्ट होता है, क्योंकि काय चिकित्सक जो है उनका एनालिसिस ऐसा है, और अष्टांग संग्रहकार भी बोलते हैं कि 3 दिन तक तो अच्छा रहता है वो आर्तव। अब दोनों का अपना अपना मत है, दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। रजो दर्शन को मीनार्के बोलते हैं, तो सुश्रुत चरक वाग्भट 12 साल एवरेज मानते हैं कि उस टाइम पे आना चाहिए। काश्यप बोलते हैं कि 16 साल के आयु में आना चाहिए। रजो निवृत्ति जो है मेनोपॉज जो है, चरक सुश्रुत वाग्भट 50 साल की आयु में बोलते हैं कि मेनोपॉज हो जाना चाहिए, इसको याद रखिए। आर्तव मर्यादा काल जो है वह सुश्रुत और वाग्भट ने 3 दिन बोला है, चरक ने 5 रात्रि बोला है पंचरात्रानुबंधी, और हारित ने कितना बोला है ये दिखाई नहीं दे रहा, 7 दिन बोला है, 7 दिन। सुश्रुत और वाग्भट ने 3 दिन बोला है, चरक ने 5 दिन बोला है,
हारित ने 7 दिन बोला है, सबने एवरेज निकाला है अपने हिसाब से, सभी सही है। बहुत सारे लोगों में 5 दिन आता है, बहुत सारे लोगों में 3 दिन आता है, और उस जमाने में 7 दिन तक आता था, तो वो एवरेज उस अपने अपने काल के हिसाब से लगाया सब लोगों ने, खान पान देश ऋतु प्रकृति उस हिसाब से अपने अपने टाइम का उन्होंने लिखा है। आर्तस्राव की मात्रा जो है वो कितना है, 40 to 80 ml, चार अंजलि चरक जी ने बताया। आर्तव के दोष जो है, चरका अनुसार आर्तव के 8 दोष होते हैं, फेनिलम तनु वृक्षम च विवरणम प्रतिपिच्छलम अन्य धातु प्रसंश्रेष्टम मवसादि तथा अष्टमम, जो शुक्र के लक्षण है दुष्टि के वही सेम 8 यहाँ पे है कि झागदार होता है, तनु होता है, वृक्ष होता है, अलग कलर का होता है, पुति सड़ा हुआ ऐसा स्मेल वाला, पिछिलता वाला, अन्य धातु अपसंश्रेष्टम अन्य धातु भी उसमें मिक्स होके आ रहे हैं, अब सादि गुणात्मक ये 8 जो दोष होते हैं उसके वजह से यह 8 आर्तव के दोष हैं। सुश्रुता अनुसार आर्तव के 11 दोष हैं, यही शुक्र के भी बताएं, वात पित्त श्लेष्मा शोणित कुणव ग्रंथि ग्रंथि पुति पोय क्षीण मूत्र पुरी श्रेत सब प्रजोत्पादन समर्था भवंती सुश्रुत शरीरस्थान 2/3, मतलब वात से, पित्त से, श्लेष्म से, शोणित से, शव गंधी जैसा जो स्मेल आता है, ग्रंथि जैसा आता है, क्लॉट्स आते हैं बहुत ज्यादा, पुति पोय मतलब पस बहुत ज्यादा आते हैं, क्षीण आर्तव स्केंटिमेंसेस या अमेनोरिया ही हो जाना ये आर्तव के दोष हैं, या मूत्र पुरुष रेतस मतलब मूत्र और पुरुष के युक्त मिक्स होके आ रहे हैं, ये प्रजोत्पादने न समर्था भवंती ऐसा बता दिया। इसके बाद में आर्तव दोष की साध्य साध्यता क्या बताइए, आर्तव दोष की साध्य साध्यता सुश्रुता अनुसार क्या बताइए, तो साध्य जो है वातज पित्तज कफज और रक्तज ऐसा बताइए। सुश्रुत ने टोटल 11 दोष बताए हैं, चरक ने 8 दोष बताए, और असाध्य जो सुश्रुत के हिसाब से 7 है असाध्य, उनकी चिकित्सा करके भी हमें कुछ फायदा नहीं होता, तो बता रहे हैं कुणब ग्रंथि क्षीण ग्रंथि जो गांठ जैसा आता है, कुणब मतलब शव गंधी जो डेड बॉडी जैसा आता है, और क्षीण मतलब बहुत ज्यादा कम वाला, कभी कभी हम लोग चिकित्सा करते हैं वो हर समय सक्सेसफुल होगा ऐसा नहीं है, फिर पुति पुए जिसमें पस आ रहे हैं बहुत ज्यादा, इंफ्लेमेशन है बहुत ज्यादा, मूत्र और पुरुषयुक्त और सन्निपात, ये सब जो है ये असाध्य बताए। पुरुषयुक्त जो है वो सन्निपात रहता है तीनों दोषों वाला। आर्तव दोषों की चिकित्सा में बता रहे हैं, साध्य आर्तव दोषों की चिकित्सा में उत्तर बस्ती और पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करना ऐसा बताएं, और कुणब और पुति में चंदन क्वाथ और उत्तर बस्ती ये देने के लिए बताएं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अंजना में हम ये सब देते हैं तो आर्तव शुद्धि हो जाती है, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, फिर कंसीव हो जाते हैं। आर्तव के कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है, गर्भ स्थिति कारक रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भकृत च गर्भो गर्भ लक्षणम, सुश्रुत सूत्र 15/19 में बोल रहे हैं आर्तव गर्भ स्थिति का कारण कारक है, गर्भ की स्थिति हो जाने पर गर्भाशय में गर्भ के लक्षण उत्पन्न करता है। फिर अपरा कैसे बनता है, प्लासेंटा कैसे बनता है, गर्भवती स्त्रियों में रुका हुआ आर्तव से अपरा निर्माण होता है, ऐसा इन्होंने पूरी तरह से बताया कि किस तरह से अपरा बनता है। इसी तरह से स्तन गर्भाशय योनि की वृद्धि कैसे होता है, तो स्त्रियों के अंगों में रोग राजी होने के बाद ये प्यूबरिटी का बता रहे हैं कि रजगत धीरे धीरे संचित होने से स्तन गर्भाशय और योनि की वृद्धि होती है ऐसे इन्होंने बताया। गर्भ संभव सामग्री अभी हम थोड़ा रुकते हैं, अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी, अनुरिता मैम आपका एनाटॉमी का सब्जेक्ट है सब ठीक है, मैम बिजी है। अब गर्भ संभव सामग्री बता रहे हैं 4, ये बोल रहे हैं ध्रुवम चतुर्णम सानिध्यात गर्भस्याद विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्रांबीजन सामुद्यार अंकुरो यथा, सुश्रुत शास्त्रान 2 में बता रहे हैं, मतलब ऋतु अच्छा होना चाहिए, ऋतु काल होना चाहिए, तभी जो ओवुलेशन का टाइम है वो अगर रहा तभी अच्छा गर्भ रहे, और ओवुलेशन अच्छा होना ही चिकित्सा हमारी रहती है। फिर अम्बो मतलब आहार रस अच्छा मिलना चाहिए, क्षेत्र मतलब शुद्ध गर्भाशय होना चाहिए, नहीं तो अभी मेरे पास एक पेशेंट आ रही है उनको एडिनोमायोसिस भी है, पीसीओडी भी है, फाइब्रॉइड भी है, और एंडोमेट्रियोसिस भी है, और उनको हैवी मेंसेस आते थे बहुत, मेनोरेजिया मेटोरेजिया, तो उनको कंसीव ही नहीं हो रहे, तो ये गर्भाशय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम लोग खेत में जमीन साफ करते हैं, अच्छा खेत बनाते हैं, तो अच्छा बीज, अच्छा पानी, अच्छा खाद, अच्छा सूर्य प्रकाश ये सब मिलता है, तो फिर अच्छा से अंकुर उत्पन्न होकर वृक्ष बनता है या प्लांट बनता है, उसी तरह से ये होना बहुत जरूरी है। बीज मतलब शुक्र और शोणित भी शुद्ध होना चाहिए, अगर मोटिलिटी कम है या स्पर्म का टेल टेपरिंग टेल है या फिर विकृत है या डबल टेल है या डबल हेड है तो वो नहीं होगा, शोणित भी अच्छा होना चाहिए, प्राकृत होना चाहिए।
संतानपत्ति के लिए बोल रहे हैं कि कन्या अगर उत्पन्न करना है तो रक्तेन कन्याम अधिकेन, मतलब उसके तत्व ज्यादा आते हैं, और पुत्रेण शुक्रेण, पुत्र अगर उत्पन्न होने तो शुक्र का उसमें ज्यादा ये रहना चाहिए, तत्व रहना चाहिए। यमल जब होते हैं तो शुक्र और आर्तव के संयोग से जब व्यान हुई दो समान भागों में बांट देती है तो ट्विंस होते हैं, दो भागों में शुक्र की अधिकता जब रहती है तो दो ट्विंस पुत्र होते हैं, सन होते हैं, दो भागों में आर्तव की अधिकता जब रहती है तो दो ट्विंस गर्ल्स होती है, एक भाग में शुक्र एक भाग में आर्तव की अधिकता रहने पर एक पुत्र और एक कन्या होती है, ऐसा ट्विंस के बारे में बताया है। गर्भ का पोषण जो है, गर्भ का पोषण प्रारंभ काल में माता की रसवाही नाड़ी के उपस्नेह से होता है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोल रहे हैं। तो फीटल सर्कुलेशन जो है ना वो माता के रसवाहा नाड़ी से उपस्नेह न्याय से होता है। गर्भ का पोषण प्रारंभ काल से माता की रसवाही नाड़ी से उपस्वेद एवं उपस्नेह न्याय से होता है, ऐसा चरक बोलते हैं, इन्होंने उपस्वेद भी शब्द बोला है। फिर बोल रहे हैं कि गर्भ की वृद्धि हेतु के लिए अन्न रस के कारण और वायु के आधमान से गर्भ की वृद्धि होती है, मतलब वो जो बोलते हैं कि सर्कमफ्रेंस जो बढ़ रहा है, पेट का आकार बढ़ रहा है, आहार रस के कारण होता है और वायु उसको ऊपर 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 लेके जाती है, एब्डोमिनल गर्थ बढ़ते जाता है 9 महीने तक। फिर गर्भ की वर्णोत्पत्ति में सहायक महाभूत कौन से हैं, तो तत्र तेजो धातु सर्व वर्णानम प्रभाव, मतलब अगर चरकाचार्य जी बोलते हैं कि अगर कोई अवधात है या गोरे रंग का फेयर है तो उसमें तेज आकाश और जल का तत्व ज्यादा है, अगर काले रंग का है कोई भी इंसान, कृष्ण वर्ण का है तो वायु अग्नि और पृथ्वी उसका ज्यादा तक महान ये रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, वायु की वजह से काला रंग आएगा अग्नि और पृथ्वी की वजह से। श्याम वर्ण है, सांवला है, न काला है न गोरा है, बीच का है, तो इसमें सब महाभूत रहते हैं और आप लोग को कुछ दिख रहा है, सर महाभूत समान रहते हैं, सब महाभूत समान रहते हैं तो वो श्याम वर्ण का होता है। एकदम गोरा होगा तो तेज आकाश और जल, ऐसे है आकाश तत्व तेज और जल, इसको याद रखिए। सुश्रुता अनुसार बोल रहे हैं कि तत्र तेजो धातु सर्वराणाम प्रसवहा, मतलब सुश्रुत बोलते हैं कि गौर अगर होगा तो तेज और जल, कृष्ण होगा तो तेज और पृथ्वी, ऐसे तत्व होते हैं। श्याम वर्ण जो होगा वो गौर श्याम, थोड़ा गोरा और थोड़ा काला, तो तेज जल आकाश होते हैं। कृष्ण श्याम जो काला भी रहता है और सांवला भी रहता है, तो तेज पृथ्वी और आकाश ऐसा रहता है, कृष्ण और श्याम ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं इसके बाद में। गर्भ के शुभ और अशुभ भाव 8 है, इसमें शुभ भाव जो है वो गर्भ का कारण, गर्भ की आत्मा, गर्भ की प्रकृति, गर्भाशय में गर्भ की क्रमशः वृद्धि, ये शुभ भाव है, और गर्भ की वृद्धि का कारण ये शुभ भाव है, पॉजिटिव है। और अशुभ भाव 3 है, गर्भ के उत्पन्न न होने में कारण है, गर्भ विनाश के कारण है, गर्भ की विकृति में कारण है, जो एनोमलीज आती है वो अशुभ भाव है, गर्भ स्टिल बर्थ हो जाता है या मूढ़ गर्भ हो जाता है, ये सब गर्भ विनाश में कारण होते हैं। और गर्भ के उत्पन्न न होने का मतलब वो होते ही नहीं, कंसीव ही नहीं होते हैं, तो ये अशुभ भाव रहते हैं। अनुरिता मैम आप कुछ बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली आप जो बता रहे हैं सर उसको एक बार रिवाइज करके लिख लो ना तो वो बहुत ही होता है, लेकिन मैं ट्रैवलिंग में हूँ ना सर। जो हम इनफर्टिलिटी जब ट्रीट करते हैं, आपने जो आर्तवम अग्नियम और शुक्र स्रोतस के बारे में बताया ना, तो उस वक्त में हम ट्रीटमेंट करते वक्त में भी हम जब रस की मतलब औषधि का जो नियोजन करते हैं विपाक के हिसाब से, और आहार का द्रव्य जो नियोजित करते वो भी आहार रस के हिसाब से जो नियोजन करते हैं, उसमें भी हमने इसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब हेतु आप सुनते हो तो सब लोग तो यही बोलते कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप उनकी पूरी दृष्टि हेतु की लिस्ट निकालते हो ना, उसमें सारे चीज पित्त को प्रकोपित करने वाले या वात को दूषित करने वाले या मनो के इसमें भी ऐसी चीजें रहती हैं। आज पर्टिकुलरली एक केस थी मेरे इसमें, लेकिन उनको क्या लगता है कि नहीं ये मनो मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे टेंशन चल रहे, हमारे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आप बस ट्रीटमेंट करिए, तो वो जब तक आप सॉल्व नहीं करते हो तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। खास करके मैं इनफर्टिलिटी में मेरी फेवरेट जो चॉइस ऑफ ड्रग रहता है फीमेल इनफर्टिलिटी, और इस चीज में तो यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स विद, आप पहले दीपन पाचन करते हो, शोधन चिकित्सा करते हो, शोधन के साथ में आप जो द्रव्य के नियोजन करने के बाद में आप ये देखते हो कि उसका रस का जो भी उपधातु फॉर्मेट में अगर आर्तव दृष्टि है तो आपको रस पाचन देना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं पांडुजन्य संप्राप्ति है और उसके बाद में आपको आर्तव दृष्टि और बाकी के लक्षण दिखे, तो आपको वो दोषों का भी निरहन करना पड़ता है। और सबसे मेन चीज
कोई भी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट विदाउट अनुलोमन चिकित्सा विदाउट शोधन आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाती, फिर वो राइट फ्रॉम ऑलिगोस्पर्मिया कोई भी केस रहने दीजिए, बिकॉज हम यूजुअली क्या करते कि चलिए ये चॉइस ऑफ ड्रग है, कभी कुछ यूज कर लिया, शतावरी अश्वगंधा ले लिया और उसके बाद में, बट अगर आप मतलब बेसिक पे काम करना चाहते हो तो ऑलवेज दैट शुड बी दीपन पाचन और शोधन में, पर्टिकुलरली अपान का अनुलोमन, और अनुलोमन के बाद में आप फिर बाकी का चिकित्सा कीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। और लाइफस्टाइल इसमें बहुत मैटर करता है सर, मेल इनफर्टिलिटी रहने दीजिए या फीमेल इनफर्टिलिटी रहने दीजिए, दोनों में भी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एट प्रेजेंट का अगर मैं रेट बोलूं सर, अराउंड अबाउट 40% इनफर्टिलिटी रेट हैज बीन इंक्रीज लास्ट 2020 का जो भी ग्राफ है इस इसमें, और पर्टिकुलरली इसमें जो यंगस्टर एज दैट इज फर्टाइल एज जो है, इट इन्वॉल्व 25 to 35, यही एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है इनफर्टिलिटी में, मतलब जो काल के हिसाब से या फिर मतलब ओवर एज के हिसाब से जो आना चाहिए इनफर्टिलिटी वो नहीं आता है, इसको प्री एजिंग बोल सकते हैं या प्री मतलब 40s के पहले इनफर्टिलिटी टच कर रहा है, तो इसकी वजह से आपको जो ट्रीटमेंट देनी है उस इसमें ये भी देखना है कि क्षयात्मक संप्राप्ति आपकी कहाँ से शुरुआत हुई है, वो मे भी आपके स्रोतों से रिलेटेड और त्रिदोषात्मक हो सकती है, लेकिन अगर मनोहर रिलेटेड है, उनका स्ट्रेस रिलेटेड, उनका लाइफस्टाइल रिलेटेड है, तो आप कितना भी द्रव्य चिकित्सा करेंगे और अगर आपने मनोहर पे नहीं काम किया, इसमें पर्टिकुलरली मैं नस पे बहुत ज्यादा, और अंजना मैम तो इतना बढ़िया बताती है, अभी चिकित्सा नहीं, अभी एनाटोमी पढ़ते हैं। यस सर। इसके बाद में चरक के अनुसार गर्भ के शुभ अशुभ 8 भाव को जानने वाला वैद्य, शुभ और अशुभ ये 5 शुभ हैं और 3 अशुभ हैं, इनको जानने वाला वैद्य राज्य वैद्य के योग्य होता है। अब इसमें इन्होंने कलंक बताए, ऋतु प्राप्ता स्त्री द्वारा स्वप्न मैथुन करने से, मतलब कोई स्त्री ना स्वप्न में सोते सोते मैथुन कर रही है तो कलंक की उत्पत्ति होती है। अनस्थि गर्भ मतलब दो स्त्रियां जब लेस्बियंस अगर मैथुन करती है तो कोमलास्थि गर्भ की उत्पत्ति होती है अगर वो करे तो, और विकृत गर्भ है तो सर्प वृश्चिक और कुष्मांड आदि के सदृश विकृत आकृति वाले गर्भ पाप कर्मों का फल होते हैं, मतलब अगर किसी का ना बच्चा ऐसा एनामली लेके आता है कि सांप जैसा बच्चा हो रहा है या फिर बिच्छू जैसा हो रहा है या फिर कुष्मांड फल की तरह हो रहा है तो ये पाप कर्मों का फल होते हैं, ऐसा अपने आचार्य मानते हैं। उसके बाद में गर्भ की मलोत्सर्ग क्रिया, गर्भ में अल्प मल वायु का कम होना, पक्वाशय का छोटा होने से मल मूत्र प्रवृत्त नहीं होता है माता के शरीर में, गर्भस्थ बालक नहीं रोता, जरायु द्वारा ढके रहने से गले में कफ भरा रहता है, वायुमार्ग खुला न होने से गर्भस्थ बालक नहीं रोता है, ऐसे बता रहे हैं। फिर गर्भावक्रांति शरीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गर्भावक्रांति में बोल रहे हैं कि गर्भ और अवक्रांति मतलब गर्भ की उत्पत्ति के आरंभ से व्याख्या किया है, गर्भ शुक्र शोणित जीव संयोगेतु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती, गर्भाशय में शुक्र शोणित और जीवात्मा का जिस काल में संयोग होता है तब उसका नाम गर्भ पड़ जाता है, मतलब स्पर्म और जो ओवा है ये जब जुड़ जाता है, यहाँ पे शुक्र और शोणित ये वर्ड बोला है, तब यहाँ पे कंसीव होके वो जो बनता है जायगोट उसको फिर गर्भ नाम ऐसा कर दिया है। इसके बाद में सद्योग्रहित ग्रहित गर्भा मतलब जो अभी कंसीव की गई है लेडी, कंसीव हुई है उसके सिम्टम क्या होंगे, सद्योग्रहित गर्भा के गर्भ धारणा के होते ही प्रकट होने वाले लक्षण क्या होते हैं, सुश्रुत ने बोला है श्रमोग्लानि पिपासा शक्ति सदरम शुक्र शोणितयोर अनुबंध स्फुरणम च योने, सुश्रुत शास्त्रान 3:11 में बोला है, तो सुश्रुत ने बोला है श्रम होता है, थकावट बहुत ज्यादा आती है, ग्लानी मतलब श्रम मतलब मेहनत किया हुआ जो थकावट होती है वो होती है, ग्लानी मतलब अपने आप बहुत ज्यादा गिडनेस आता है, पिपासा मतलब बहुत प्यास लगती है, शक्ति सदरम मतलब थाइस एरिया में बहुत ज्यादा स्टिफनेस ऐसा आता है, शुक्र शोणितयोर अनुबंध उसको लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ तो फॉर्मेशन हो रहा है, स्फुरणम च योने वहां पे स्फुरण होने लगता है फड़कने लगता है योनि भाग में, और चरक ने बोला निष्ठिवी का मतलब थूक बहुत ज्यादा आता है, गौरव मतलब गुरुता आती है, तृप्ति मतलब बिना कुछ खाए पिए ना पेट भरा भरा लगता है, अंग साथ मतलब हैवीनेस लगता है बॉडी में, तंद्रा होती है ड्राउजीनेस आता है, प्रहर्ष हृदय व्यथा हार्ट में ऐसे पेन जैसा होता है, और योनि द्वारा बीज ग्रहण ऐसा चरक ने बोला है, ये सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण होते हैं। चरक ने बोला निष्ठिवी का गौरव अंग साध तंद्रा प्रहर्षो हृदय व्यथा च तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्यम गर्भस्य सद्योनुगतस्य लिंगम, चरक शास्त्रान 2:23 में बोले सपने सबने अपने अपने दृष्टिकोण से देखा है तो सबका मत सही है। व्यक्त गर्भा, अब हमें पता चल गया कि कंसीव हो चुकी है और हमें आजकल तो सोनोग्राफी है अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है, उस जमाने में
गर्भधारण के दूसरे महीने में अंत में प्रकट होने वाले लक्षण क्या होते हैं। अब सेकंड मंथ में क्या होते हैं कि स्त्री के शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं, स्तन्यो कृष्ण मुखता रोम राज्य उद्गम तथा अक्षी पक्षवाणी चास्य सम्मिल्यन्ते विशेषता अस कामात छर्दयति गंधद्विजायते पुमा क्या गंधद्विजायते अशुभात प्रसेकम सदनम चापि गर्भिण्या लिंगम उच्यते शुश्रुषा स्थान 3/12। ये मतलब चरक ने 14 बोले हैं, सुश्रुत ने 7 बोले हैं। पहले सुश्रुत का पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि स्तन्यो कृष्ण मुखता, स्तन्यो का जो निप्पल्स और एरोला है वो एकदम ब्लैकिश कलर का हो जाता है। रोमराजी की उत्पत्ति होती है, एक अलग तरह का प्यूबिक हेयर और पूरे जगह ऐसे ग्रोथ होने लगता है। पलकों का बार बार बंद होना, अकस्मात उल्टी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि वॉमिटिंग और नौशिया बढ़ जाता है सेकेंड मंथ में। फिर शुद्ध गंधों से उद्विग्न हो जाते हैं, मतलब कोई भी स्मेल वगैरह बर्दाश्त नहीं होता है। छौंक वगैरह भी लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, वो भी मतलब मन एकदम बेचैन रहता है। प्रसेक मतलब मुंह से बहुत ज्यादा पानी आता है, प्रसेक होता है। अंग सदन मतलब हैवीनेस लगता है बॉडी में। और चरक ने बोला है कि कृष्ण मुख ओष्ण कृष्णता, मतलब स्तनों के ऊपर जो एरोला है, निपल्स है, वो काले रंग का होगा। मुख भी थोड़ा शाव वर्ण का हो जाएगा, सारा ब्लड सर्कुलेशन बच्चे की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वीकनेस टाइप आ रहे है, मतलब वो पांडुता जैसा आ रहा है। और होंठ भी है वो, लिप्स भी काले हो जाते हैं। रोमराजी की उत्पत्ति होती है, चक्षुषोग्लानि आंखों में थकावट बहुत ज्यादा होता है, गिडीनेस होता है। अकस्मात छर्दी होती है, उल्टी कभी भी आ जाती है। उत्तम और हीन आहार की इच्छा होती है, मतलब थोड़ा ही खाना है लेकिन अच्छा खाना है ऐसा मन होता है। आसश्रवण मतलब मुंह से लार आता है। गुरु गात्रता होती है, पैरों में शोथ होता है। सबको होगा ऐसा नहीं है लेकिन उन्हें कॉमन सिम्टम होता है। अनन्नाभिलाषा अन्न की न अभिलाषा, खाना खाने का मन नहीं करता है। अरुचि होता है। अम्ल कामिता मतलब उसको खट्टा खाने का बहुत ज्यादा मन होता है। आर्तव अदर्शन मतलब एमनोरिया, योनि का विस्तृत होना मतलब योनि भाग थोड़ा थोड़ा विस्तृत होने लगता है। और कभी कभी स्तन्यों में दूध प्रवृत्ति होती है। सबको होगा ऐसा नहीं है, इन्होंने एक एवरेज जो सिम्टम्स होते हैं वो बताया। वाग्भट ने योनि द्वारा बीज ग्रहण तृप्ति गुरुत्व स्फुरण शुक्र अस्त्रिकानुबंधन हृदय स्पंदनम तृढ़ तंद्रा तृढ़ ग्लानि और लोम हर्षण, ये सद्योग्रहित गर्भा के 10 लक्षण वाग्भट ने बताए अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान में। वाग्भट ने शामता मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस आ रहा है, गरिमा मतलब हैवीनेस आ रहा है, मूर्छा जृंभा रोमराज्या प्रकाशनम अन्य विधा, ये 15 लक्षण व्यक्त गर्भा के बताए। सद्यो गर्भा के लक्षण सुश्रुत ने 6 बताए हैं, चरक ने 8 बताए हैं, अष्टांग हृदय ने 10 बताए हैं। व्यक्त गर्भा लक्षण सुश्रुत ने 7 बताए हैं, चरक ने 14 बताए हैं, अष्टांग हृदय कार ने 15 बताए हैं। जी अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ये तो गर्भ विकृतियां वगैरह बताइए, एक ही दिन ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक ही दिन ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिमाग में ये होगा, कंफ्यूजन होगा। अभी आप लोगों को कुछ बोलना है क्या? कंचन मैम आपको कुछ बोलना है? सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, आपने भी फॉर्म भरा है क्या प्रभात जी? नहीं मैं अगले साल दूंगा सर। हाँ लेकिन पढ़ाई तो अभी शुरू कर दीजिए आप। हाँ पढ़े अभी शुरू, ये पीडीएफ सर आप भेज दीजिएगा। हाँ मैं ग्रुप में डाल देता हूँ जी। ठीक है, और कंचन मैम आपको कुछ बोलना है? जी सर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हो सर, और अच्छा है मतलब पूरा। डेट कब आया एग्जाम का, डेट कब है सर? अभी कल मैंने देखा था तो कल तो नहीं था आया, आज भी नहीं आया हुआ सर, शायद हो सकता है मंडे हो सकता है कि कुछ आएगा गूगल पर। आपका ऐसे होने ही वाला है, आप पढ़ते रहिए हो जाए सर। डर मतलब है, आप अच्छे से पढ़ा रहे हो पर थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहते हैं सर। मतलब चरक ने क्या बोला, वाग्भट ने क्या बोला, सुश्रुत ने क्या बोला, इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है, पर हमने गलत मार्किंग कर दिया तो बस माइनस नेगेटिव में जाता है, उसका डर रहता है बस। हाँ। सर थोड़ा यहाँ पे क्लियर करिए ना, मतलब कि जैसे कि हमें 100 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने हैं, पर उसमें जैसे हमको बहुत बार होता है ना कि थोड़ा सा 90% लगता है ये सही है, कभी कभी लगता है 70% परफेक्ट याद नहीं आ रहा है, तो उसे हमको मार्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसको? डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर बताएंगे। डॉक्टर रवि सर आप बताइए क्या करना चाहिए, आपने भी तो एंट्रेंस दिया है सर, PhD भी किया है। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर बनारस के डॉक्टर,
नहीं तो अनुरिता मैम आप बताइए क्या करना चाहिए। अनुरिता मैम सुन रही है क्या? शायद मैम नहीं सुन रही है। मनोज कुमार दामा जी आप बताइए। प्रणाम। हाँ सर आप क्या कहेंगे जब हमें लगता है कि सर इसमें ये कहूंगा कि अगर माइनस मार्किंग है तो सर नहीं टच करना चाहिए। हाँ। और अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो सर टच कर सकते हैं। आप लोग और प्रश्न पूछिए सर बताएंगे आप लोगों को कैसे। सर अब तो मुझे काफी दिन हो गया है फिर भी कोशिश करूंगा सर। आप लोग पूछिए सर से क्वेश्चन जो लोग एग्जाम दे रहे हैं। आशा मैम आप पूछिए सर से। कंचन मैम पूछिए। सर मतलब जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर 100 क्वेश्चंस है और 400 मार्क्स है उसके, मतलब एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स है और एक क्वेश्चन अगर हम रॉन्ग कर दें तो -1, मतलब ये नीट लेवल का ही हो रहा है ना। तो निगेटिव मार्किंग की वजह से क्या होता है अगर हम 40 क्वेश्चंस, मैंने जस्ट एक ट्रायल दिया था आज खुद को, तो 40 क्वेश्चंस अगर हम राइट कर रहे हैं तो 30 निगेटिव भी गया है। तो फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हमको अगर 40 अगर हम राइट कर रहे हैं हमको पता है ये श्योर है, तो मुझे ऐसे लगा फिर बाद में करने के बाद कि यहाँ पे मैंने 30 जो मैंने खुद ट्रायल दिया था एक्चुअली खुद को कि यहाँ पे जैसे मुझे 70% 90% जहाँ पे लग रहा था उसको भी टिक किया, तो उसमें से 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन थे राइट हो गया पर ऐसे कुछ थे कि वो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, मतलब 70 में या फिर 90 में रुक जाना चाहिए यहाँ पे मार्किंग करना नहीं चाहिए या फिर थोड़ा सोच के करना चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है सर, सिर्फ हर एक क्वेश्चन को -5 चला जाता है, मतलब उस क्वेश्चन का 4 मार्क्स और -1 मतलब 5 मार्क्स चला जाता है सीधे सीधे। जी मैडम जी, तो मैंने तो मैडम जो पैटर्न अपनाया था जहां मुझे डाउट है तो मैं तो वहां टच नहीं करता था क्योंकि मुझे ये डर था कि मेरा जो सही क्वेश्चन है फिर उसमें से भी कम हो जाएंगे मेरे नंबर, तो इसलिए माइनस वाले को तो मैं जिसमें मुझे डाउट है मैं टच नहीं करता था मैडम। उतने तो मार्क्स एटलीस्ट हाथ में आएंगे ऐसे। हंड्रेड क्वेश्चंस तो मुझे नहीं, मतलब जिनका स्टडी बहुत अच्छा हुआ है शायद वो तो अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, मेरा एक स्टूडेंट है आशीष मिनोचा, वो क्या करता था कि पढ़ाई बहुत करता था लेकिन उसकी एक गलती होती थी कि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था चाहे गलत हो या कुछ भी, तो उसको कितने मार्क्स आते थे 4 या 5 या 10 ऐसे मार्क्स आते थे। तो फिर वो ऐसे 6 बार उसने ट्राई किया, फिर मैंने उसको सिखाया कि नेगेटिव जो नहीं आ रहे नेगेटिव मार्किंग के वजह से कम आ रहे मार्क्स आप दो ही मत, वो अटेम्प्ट ही मत करो छोड़ दो, तब वो उसका हो गया फिर सिलेक्शन हो गया, अभी उसका 3 साल में MD भी हो गया। जी सर यही ज्यादा अच्छा है क्योंकि बोलिए सर मैंने तो लास्ट इंट्रेंस जो है जामनगर में दिया था सर जो है, तो वहां भी माइनस मार्किंग थी PhD में। हाँ। तो सर मैंने टच नहीं किया था, तो चूंकि मेरी पढ़ाई छोड़े सर बहुत समय हो गया था तो मेरिट में मतलब नीचे सर जो है दूसरा स्थान था मेरा। हाँ ठीक है ना, लेकिन आपने ये ट्रिक अपनाया यही सब लोग अपनाते हैं। जी पढ़ाई छोड़ी बहुत समय हो गया था तो रिवाइज करने में समय नहीं मिला। मैंने तो 10 साल बाद MD किया। जी सर ये MS के बाद मैंने 10 साल बाद किया। सर कितने मार्क्स स्कोर करने तक सिलेक्शन में आ रहा है? 50% तो चाहिए जी सर जो है, और इसके बाद जैसी मेरिट जाए। अभी तो कहा था कि 50% होना चाहिए, 50% तो कम से कम मार्क्स आना चाहिए। जी मतलब 480 से 240 तक आना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। जब मोदी जी का गवर्नमेंट नहीं था ना तो लोग क्या करते थे, बस एक एग्जाम दे देते थे और जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले थे ना वो ऐसे ही ले लेते थे, तो उस टाइम पे कैपिटेशन फीस डोनेशन 60 लाख, सर्जरी में 60 लाख, 75 लाख गायनेक में ऐसे जाता था, ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस का बहुत रेट था, 1-1 करोड़ तक जाता था कभी कभी। अरे बाप। हाँ फीस अलग और कैपिटेशन फीस अलग, और कैपिटेशन फीस जो है वो ना ब्लैक मनी, वो कितना भी ले जाए उसका आप कोई रिसिप्ट वगैरह कुछ नहीं देंगे, वो आपको ऐसे बैग भर के देना है उनको और आपका सीट बुक। और लोग क्या करते थे एग्जाम के पहले ही सीट बुक कर देते थे कि हमें गायने का एक सीट चाहिए, हमें सर्जरी का चाहिए, पहले बहुत भ्रष्टाचार था, अभी तो मोदी जी ने थोड़ा कंट्रोल कर दिया है।
तभी करने वाले लोग तो कभी भी कर रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन वो अलग तरीके से, मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन ये अच्छा हो गया कि लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, पहले तो पढ़ाई नहीं करते थे, ऐसे ही घुस जाते थे एमडी करने। हाँ सर, प्राइवेट कॉलेजेस तो ऐसे ही लूट मचा के रखी थी। फिर भी सर जो है सामान्य आदमी की बस का बाहर है सर जो है, हाँ। नॉर्मल मैन के लिए अभी भी बाहर है सर जो है। और मैंने तो ऐसे देखा है कि फर्स्ट ईयर एमडी में भी मतलब कोई फेल हो गया ना तो पैसा भर दो और वो फिर एग्जाम दो और उसमें पास, पैसे से ही सब चलता था, ऐसा होता था। अरे अभी थोड़ा तो मोदी जी ने थोड़ा कंट्रोल कर दिया सब, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? अनुरिता मैम कुछ बोलना चाहती हैं क्या? अनुरिता मैम आपका मैसेज तो आ रहा है, अनुरिता मैम सुन रही है क्या? शायद मैम का आवाज नहीं आ रहा। सर कौन सा कॉलेज में कितना स्टाइपेंड है ये कैसे पता चलेगा? कहाँ अभी सर बताएंगे ना, बीएचयू में 80,000 मिलता है ना शायद? नहीं सर, पीएचडी में कम है सर, जहां तक मेरी जानकारी MD, है। एमडी में बताइए, एमडी में मिलता जी सर, एमडी में 80,000 मिलता है। हाँ जी सर, हाँ। और मुझे लगता है लगभग और सब जगह बराबर हो गया अब। हाँ 80,000 कहीं कहीं 1,00,000 मिलता था पहले। जी 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 सर, उतना अच्छा है ना। और केरल में भी कुछ ऐसे ही, हाँ यहाँ पे जो उत्तराखंड के कॉलेजेस हैं वहाँ पे 45,000 मिलता है, ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज या गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज। वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का फर्क है सर। हाँ जी ठीक है ना। अभी कंचन मैम आपका बहुत अच्छा कॉलेज में होने वाला है, खारगर में एक कॉलेज है ना, या फिर डीवाई पाटिल कॉलेज, वहां पे आपका हो जाएगा कंचन मैम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर विशेस। जो नेरुल में कॉलेज है ना, डीवाई पाटिल कॉलेज, वहां पे मेरे बहुत, आप बस इतना मार्क्स ला दीजिए कि हो जाए 50%, फिर मेरे सब क्लासमेट उधर ही प्रोफेसर हैं, मैं आपका आराम से मुंबई में करा दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर देखते हैं कल। प्रणाम सभी लोगों को, अब हम 8:15 बजे मिलेंगे। थैंक यू।